पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जसवंत सैनी ने असदुद्दीन ओवैसी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, यदि वो एक दो बार और ऐसे ही बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी मानसिकता है, उनके भाषा के स्तर पर क्यों जाते हो, एक दो बार और बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। दरअसल आज उत्तर प्रदेश सैनी सभा ट्रस्ट की ओर से स्वजातीय समाज सेवी सीनियर सिटीजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी ने ओवैसी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता दर्शाता है, उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि एक दो बार वो और बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है उनकी मानसिकता दर्शाती है और यही वजह है कि आज उनकी ये दुर्दशा है। दरअसल जसवंत सैनी पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आज सैनी समाज के द्वारा उनको मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद सैनी समाज के लोगों का सम्मान किया जा रहा था। सैनी सभा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों का सम्मान का कार्यक्रम है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया है इस कार्यक्रम के बाद? इस कार्यक्रम के बाद यह है कि हमारा समाज के जो नौजवान हैं वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और बुजुर्गों की सेवा में अपना सबको प्रयास करें। 2022 का चुनाव हमारे सामने है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं विकास के, जन कल्याण की जो योजनाएं लागू की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सुशासन और अटल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिवस है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में उसको मनाती है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ज्यादा बहुमत के साथ बनेगी। मोदी नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर आपको कौन बचाएगा? वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा उनकी भाषा का, उनके भाषा के स्तर पर क्यों जाओ? क्या लगता है आपको जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? वो तो बहुत दिन से इस तरह की भाषा, उनका स्थान जेल है, अगर इस तरह से एक दो बार और बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, और क्या है? घटिया मानसिकता। ये उत्तर प्रदेश सैनी सभा ट्रस्ट के माध्यम से सीनियर सिटीजन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय जसवंत सिंह सैनी, पिछड़ा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि मेयर मुरादाबाद और रितेश गुप्ता जी, शहर विधायक और सुरेश सैनी जी विशेष अतिथि मौजूद रहे। उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, हमें इससे क्या मतलब है? लेकिन जिस तरह से समाज के नाम पर, जब कोई तेज गति से चलता है ना तो पीछे से आवाज़ जरूर आती है, जैसे ट्रेन चलती है तेज गति से तो आगे आवाज़ नहीं आती, पीछे से दुख दुख की आवाज़ आती है, और कुछ नहीं कहना। वो पीछे हैं, हम आगे हैं, वो पीछे हैं, क्योंकि जलन पीछे वालों को होती है, आगे वालों को नहीं। खास वजह यही है, बोले हम अपने माँ बाप का कितना सम्मान करते हैं, सीनियर सिटीजन को सम्मानित करके हम यही साबित करना चाहते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।